सादर नमन गोविंद भाई, मैं पुष्पा पांडे देहरादून से। इसके पहले भी 2022 या 21 में आपसे बात हुई थी बेटी को फीवर और पीरियड को लेकर। ठीक रही लेकिन दोबारा हो जाता था। मैंने भी पाइल्स और दांत दर्द से परेशान थी, आपने होम्योपैथिक दवा दी, फ़र्क पड़ जाता था, लेकिन खान पान की आदतों में बिना सुधार किए लंबा नहीं खींच पाते थे। मैंने देखा, मैंने सब छोड़ा और मैं जो अभी बताने जा रही हूँ, मैं 2018 में से 18 में मैंने अप्रैल में अपने ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कराया था। उसके बाद मेरी 6 कीमो चली और कोई इंजेक्शन भी था जो कि टोटल मिला के 17 था, वो देते रहे। लगभग 2019 में मेरा सारा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया और मैं डॉक्टर की नज़र में स्वस्थ हो गई, अपनी नज़र में स्वस्थ नहीं थी, बिल्कुल शक्ति क्षीण हो गई थी। पर योग ने मुझे काफ़ी मदद की, लगी रही। उसी तरह थोड़े दिनों बाद फिर उसी दौरान दांत दर्द शुरू। पाइल्स की एक तरह से खानदानी पेशेंट हूँ, वो भी मैंने सोचा कि कंट्रोल करूँ किसी तरह। खान पान, फिटकरी, लौंग का पानी से कुल्ला करना दांत के लिए सब करती थी। तब उसके दौरान मेरी आपसे फिर बात हुई, काफ़ी राहत मिली, बहुत अच्छा से मैंने किया। लेकिन एक बात और बताऊँ, स्वमूत्र चिकित्सा से मेरा अनुभव, इसलिए मैंने लिखा, मेरे पास बहुत अनुभव है। 2023 के मार्च से मैंने दोनों टाइम स्वमूत्र लेना शुरू किया। दांत दर्द मेरा महज 5 दिन में गायब हो गया। पाइल्स में दर्द होता था लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो गया। अभी मैं मार्च से लेकर अभी तक मैं ठीक हूँ, दोनों चीज़ से ठीक हूँ। लेकिन चूँकि मेरा कीमो पोर्ट एक लगता है कीमो देने के लिए, वो नहीं निकला था, वो मुझे निकलवाना था। पिछले 20-25 दिन से मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव की मैं चक्कर लगा रही थी। बीपी हाई आया, सारे रिपोर्ट टेस्ट मेरे नॉर्मल आए, मेमोग्राफी भी कराया, लिपिड प्रोफाइल पूरी सब नॉर्मल आया, सब चीज़ नॉर्मल आया, लेकिन बीपी हाई कुछ डर से भी हुआ था। वापस देहरादून आई, मुझे निकलवाना था कीमो पोर्ट, मैं पीछे पड़ गई थी। किसी तरह एलोपैथी दवा लेके मैंने 5-6 दिन खाया, बीपी मेरा एकदम नॉर्मल आया और मैं कीमो पोर्ट अभी 2 दिन हुए निकलवा दिया। बड़ी खुशी हुई। एलोपैथी दवा के दौरान मैंने स्वमूत नहीं लिया, मेरा एक तरह से ऑपरेशन हुआ छोटा कीमो पोर्ट के लिए, उसमें भी नहीं लिया। पर आज 3rd-4th डे है, आज फिर मैंने थोड़ा सा लिया, मुझे काफ़ी राहत है, आपको बता नहीं सकती। ये है मेरी स्वमूत्र चिकित्सा का, जिसके दौरान संभव हुआ। नेचुरोपैथी को भी मैं बहुत फॉलो करती थी, पत्ते खाती थी, अन्न भी खाती थी। ओम।
आपको सादर नमन करती हूँ। समूह चिकित्सा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भी उसमें से एक कड़ी हूँ, काफ़ी ठीक हूँ, कर रही हूँ, करती रहूँ।